हेलो एंड वेलकम टू मलुकाइयस। सो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगा कि मुझे आप लोग के लिए एक उसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, दैट इज दैट सोशल एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो आप देखेंगे कि ये जो टॉपिक है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, ये जो दिया गया है आपके इंडियन सोसाइटी के पेपर में है, जस्टिस के लिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, और साथ ही साथ सोशियोलॉजी के लिए भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम इन तीनों को ही मिलाकर जो कवर कर रहे वीडियो, तो सोशल एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो देखिएगा, व्हाट इज सोशल एम्पावरमेंट। तो सबसे पहले सोशल एम्पावरमेंट क्या है, किसको नीड है सोशल एम्पावरमेंट की, जिसे हम सामाजिक सशक्तिकरण भी कहते हैं। तो सामाजिक सशक्तिकरण की नीड किसको है बेसिकली, तो आप देखेंगे बेसिकली एससी को, एसटी को, ओबीसी को, विमेन को, अगर आप देखेंगे तो विमेन का टॉपिक हम पूरा कवर कर चुके हैं। तो इनको बेसिकली नीड है सोशल एम्पावरमेंट की, इनके सामाजिक सशक्तिकरण की जरूरत है। ऑल दो कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी बात की हुई है, बहुत अच्छे से हमने बहुत सारे, चाहे हम राइट टू इक्वालिटी की बात करें, समानता के अधिकार की बात करें, या राइट टू फ्रीडम की बात करें, या फिर हम उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए बात करें, ठीक है, तो राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करें, या डीपीएसपीज की बात करें, या ड्यूटीज की बात करें, तो हमने हर जगह कोशिश की है। कुछ और भी ऐसे आर्टिकल्स है, चाहे वो रिजर्वेशन को लेकर हो लोकसभा में, राज्यसभा में, जॉब्स में, ठीक है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि जब तक हमारी सोशियोलॉजिकल मेंटेलिटी, मतलब सोसाइटल मेंटेलिटी नहीं बदलेगी, जब तक उस चीज को मेंटेलिटी से नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तब तक ये जो मुद्दा है वो मुद्दा बन के ही हमारे समाज को दीमक की तरह चट करता रहेगा। और यकीन मानिए, आप जितने स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, कि जितना भी प्रॉब्लम है, चाहे वो एससी के साथ, एसटी के साथ, इनके एक्सप्लॉयटेशन को लेकर, विमेन के साथ, जब तक हम इन सेक्शंस को अपग्रेड नहीं करेंगे, इन्हें हम ऊपर नहीं लेकर आएंगे, अपवर्ड नहीं करेंगे, अभी मान के चलिए हम इकोनॉमिकली कितनी प्रोग्रेस कर ले, कितना डेवलपमेंट कर ले, लेकिन सोसाइटली हम डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज द प्रॉब्लम। तो सोशल एम्पावरमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज एक्वायर द स्किल्स, नॉलेज एंड अपॉर्चुनिटीज नेसेसरी टू टेक पार्ट फुली इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ। This empowerment enhances their ability to make decisions and transform those choices into desired action and outcomes. It seeks to uplift marginalized and disadvantaged groups to ensure that all members of society can contribute to and benefit from developmental process. Need for social empowerment. हमें need है, बिल्कुल need है, ताकि सबका equality से development हो सके, जो disparities हम उनको खत्म कर सके। और ये problem, ये issue कोई दो चार पांच साल का नहीं, हजारों वर्षों से चला। मैंने कास्ट सिस्टम में भी आपको बताया था कि क्या हालात रहे हमारे यहाँ पर अनटचेबल्स के, शूद्रास के, और किस तरीके की प्रॉब्लम्स को उन्हें फेस करना पड़ा है, और आज भी वो उन प्रॉब्लम्स को फेस करें। मैंने अपने कास्ट सिस्टम की आपको वीडियो में सारी बातें एलोबरेट की थी। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्ट्रेंथ इन डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि जो कहीं ना कहीं जो एम्पावरमेंट है एससी का, एसटी का, ओबीसी का, ये वीडियो एससी के ऊपर है, नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो एसटी के ऊपर होगी, फिर ओबीसी के ऊपर होगी। तो ये देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। इट एंश्योर्स दैट एवरी इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड हैज द अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट टू एंड बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए हमें इसकी नीड है। What are the marginalized groups? तो इसे ही हम marginalized groups भी कहते हैं, हम जिसकी बात कर रहे हैं एससी, एसटी, ओबीसी या women। तो marginalized groups are communities that are systematically excluded from full participation in social, economic, political and cultural life. These groups face barriers and discrimination which severely restrict their access to resources and opportunities. तो जिन classes को समझ रहे हैं, जिन sections को हमारे यहाँ पर प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिले हैं, इक्वल रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, इक्वल वेजेस नहीं मिल रहे हैं, इक्वल डिग्निटी इनफैक्ट अचीव नहीं हो रही है, तो वी कैन से दैट दीज आर इंक्लूडेड इन मार्जिनलाइज्ड और वल्नरेबल सेक्शंस, डिप्राइव्ड सेक्शंस आल्सो। तो ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स इंक्लूड सिस्टमैटिक बैरियर्स एंड सोशल एक्सक्लूजन, लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, ऑफन सब्जेक्ट टू सोशल स्टिग्मा एंड
डिस्क्रिमिनेशन. तो चाहे आप एससी को देखिए, एसटी को देखिए, विमेन को देखिए, कुछ माइनॉरिटीज को देखिए, तो वो इन चीजों को हमेशा फेस करते हैं. ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ हम कवर कर रहे हैं मेनली एससी एसटी एंड ओबीसी एंड विमेन, बट उसके अलावा भी है, विडोज है, एसिड अटैक विक्टिम्स है, रेप विक्टिम्स एक्सेट्रा. तो इन सब के साथ भी वही सेम प्रॉब्लम है, इम्पैक्ट ऑफ एम्पावरिंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी. तो आप देख लीजिए, इंक्रीज्ड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, एनहांस्ड डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन. तो अगर इन चीजों को हम करते हैं तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं उन्हें सेव कर सकते हैं. चैलेंजेस टू सोशल एम्पावरमेंट, बहुत सारे चैलेंजेस है हमारे यहाँ पर. लोगों का माइंड सेट है, अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है. कॉन्स्टिट्यूशन सारे प्रोविजन कर रहा है, सारे इन लॉ सारे चीजों को कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं बेसिकली. तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है हमारे साथ जिसे हम बात कर रहे हैं. और अगर हम लोगों को एजुकेट करें, उनकी मेंटेलिटी को देखें कहीं ना कहीं, तो ये चीजें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो यही चीज है. फिर उसके बाद है, देख लीजिए वही सेम चीज यहाँ बताई गई, सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन गैप्स, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज. ठीक है, आप देखिएगा ये सोशल एम्पावरमेंट था क्योंकि ये टॉपिक है सोशल एम्पावरमेंट. फिर हम बात कर रहे उसमें शेड्यूल्ड कास्ट की, हम बात कर रहे उसमें. ओके, वन सेकेंड, इसी में देखिएगा, शेड्यूल्ड कास्ट आर दोज कास्ट रेसेस इन द कंट्री दैट सफर फ्रॉम एक्सट्रीम सोशल एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस अराइजिंग आउट ऑफ ओल्ड एज ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एंड सर्टेन अदर्स ऑन अकाउंट ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज and geographical isolation and who need special consideration for safeguarding their interest and for their accelerated socio-economic development. These communities were notified as scheduled caste as per provisions contained in clause 1 of article 341 of the constitution. So, मैंने आपको याद होगा कि ये सारी चीजें आपको पहले caste system में भी बताई थी. अगर आपको ठीक से याद होगा तो उसमें भी हमने इन चीजों को discuss किया था. तो इसीलिए इसको मैं अभी बहुत इलाबरेट नहीं कर रही हूँ. तो इश्यूज फेस्ड बाय एससी, तो क्राइम अगेंस्ट दलित है, ये पूरा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है हम देखें, है ना, इस तरीके की चीजें, तो इसको आपको पढ़ना है. फिर ये है, फिर दैट रीजंस ऑफ मार्जिनलाइजेशन, अनटचेबिलिटी है, पॉलिटिकल रीजंस है यहाँ पर, रीजंस ऑफ मार्जिनलाइजेशन इकोनॉमिक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, पॉलिटिकल पावर डज नॉट हेल्प है, वर्क प्लेस वायलेंस है. हालांकि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं जो हमें बनाए हुए हैं, जैसे आर्टिकल 17 है, 46 है, 15(4) है, 16(4) है, आर्टिकल 243(d) है ना, फिर आर्टिकल 330 एंड 332 है, अंडर पार्ट जो हम 9 बात कर रहे हैं वो आर्टिकल 335 है. ये सारे सेफगार्ड्स से देखिए जो कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन फिर भी वही बात है, मेजर्स नीडेड. तो हमें बहुत सारे मेजर्स की नीड है, चाहे हम उसे पॉलिटिकली बात करें, सोशली बात करें, इकोनॉमिकली बात करें, एजुकेशनली बात करें, मेंटल फिटनेस की बात करें, या फिर अवेयरनेस की बात करें, तो बेसिकली वी नीड, है ना, हमें उस चीज की कहीं ना कहीं नीड. और सबसे बड़ी बात है जो मुझे लगता है, हम अपनी मेंटेलिटी को चेंज करें, क्योंकि जो एक कास्ट सिस्टम है, जो एक रिजिड सिस्टम है, दैट ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र, वो कहीं ना कहीं हमारे मेंटल लेवल में सेट है कि हाँ कुछ लोग अनटचेबल्स है, कुछ लोग अपर कास्ट है, कुछ लोअर कास्ट है. तो अगर हम बच्चों को वैसे एजुकेशन दे, स्कूल से पढ़ाए, कॉलेजेस में वैसा कुछ पढ़ाए, तो आई थिंक ये चीज हो सकती है. तो ये हम नीड और इनको हम यूज करें, जो जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि ये चीजें दूर हो सकती है. और वही मेंस का एक प्रैक्टिस सेट है आपके लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि जो मैं हमेशा आपको देती हूँ, और प्लीज इसका फायदा उठाइए, इसको लिखिए और लिख कर आप सबमिट कीजिए जो हमारे अपने स्टूडेंट्स से मलुका इसके, और जो मलुका इसके नहीं है जिनके लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं. ठीक है, तो अगेन मैं बोलूँ कि हमारे सोसाइटी और सोशियोलॉजी के बैचेस चल रहे हैं, तो आप चाहे तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच.